नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं विक्रम श्रीवास्तव। डालते हैं एक नजर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों पर। चिन्हित आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय प्रवक्ता कांग्रेस नेता महेश जोशी ने राज्य की त्रिवेंद्र सरकार पर हर मोर्चे पर विफल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य की त्रिवेंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों व जनता से किए गए झूठे वायदों के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से वो आंदोलन छेड़ेंगे। संपूर्ण प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ने की उन्होंने चुनौती दी है। साथ ही कहा है कि रूपरेखा तैयार हो चुकी है जिसकी घोषणा वो शीघ्र करेंगे। तीर्थनगरी क्षेत्र में ऊर्जा निगम की लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ रहे हैं। क्षेत्र में जहां तहां अव्यवस्थित ढंग से लगे विद्युत ट्रांसफार्मर हादसों को न्योता दे रहे हैं। ऊर्जा निगम के यह ट्रांसफार्मर कहीं जमीन पर लगे हैं तो कहीं ट्रांसफार्मरों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ही नहीं है। शुक्रवार देर रात लक्ष्मण ढूड़ा मार्ग पर भैरव कॉलोनी में हुए हादसे ने एक बार फिर से ऊर्जा निगम के खतरनाक ट्रांसफार्मरों की पोल खोल कर रख दी है। भैरव कॉलोनी का यह ट्रांसफार्मर भी जमीन पर रखा हुआ है। हालांकि ट्रांसफार्मर के चारों ओर जाली लगी है, मगर यह ट्रांसफार्मर सड़क के इतने नजदीक है कि कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है। हाल ही में रेलवे स्टेशन के समीप सड़क के बीचों बीच लगे एक ट्रांसफार्मर से टकराकर एक बाइक सवार की मौत हो गई थी। भैरव कॉलोनी ही नहीं बल्कि नगर के कई अन्य हिस्सों में इस तरह के खतरनाक ट्रांसफार्मर हादसों को न्योता दे रहे हैं। खबर हल्द्वानी से है। 2 साल से स्थायीकरण की राह देख रहे जिले के प्राथमिक शिक्षकों को राहत मिली है। मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता के साथ हुई उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की वार्ता सफल रही। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जल्द ही स्थायीकरण की सूची जारी करने का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ नैनीताल के जिला मंत्री डीकर सिंह पटियार ने बताया कि पूर्व में सभी जिलों के प्राथमिक शिक्षकों के स्थायीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन नैनीताल में ऐसा नहीं किया गया, जिसके चलते उन्होंने फरवरी 2019 में सीएम हेल्पलाइन में इसकी शिकायत दर्ज की थी। शिकायत के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक ने सभी उप शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर प्रारंभिक शिक्षकों के स्थायीकरण के आवेदन पत्र उपलब्ध कराने को कहा था। पटियार ने बताया कि उनकी शिकायत के बाद विभाग से जानकारी मिली थी कि कई विकास खंडों से पूरी सूचना प्राप्त न हो पाने के कारण स्थायीकरण की प्रक्रिया नहीं कराई जा सकी थी। आश्वस्त किया गया था कि पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। बताया कि इधर नवंबर माह में संगठन की मुख्य शिक्षा अधिकारी से वार्ता हुई जिसमें उन्होंने सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया था। पटियार ने बताया कि जिले के शिक्षकों की स्थायीकरण की मांग संगठन 2018 से कर रहा है। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। चलते हैं कानपुर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन के बीच 12वीं पास छात्र संस्कार अवस्थी ने ऐसा एप्लीकेशन विकसित किया है जो देसी उत्पादों को घर घर पहुंचा रहा है। वोकल फॉर लोकल के तहत स्वदेशी बाजार ऐप से लोग दाल, चावल, रवा, आटा व मसाले के साथ ही प्लास्टिक व रसोई घर के उत्पाद खरीद सकते हैं। सीधे किसानों से कर सकते हैं खरीद। आर्मी पब्लिक स्कूल के 12वीं में कॉमर्स संकाय के टॉपर रहे संस्कार ने बताया कि उन्होंने सहपाठी यश गर्ग व मयंक त्रिपाठी के साथ मिलकर ये ऐप तैयार किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अचार, पापड़, मगौड़ी, दाल, बड़ी समेत अन्य उत्पाद बनाने वाली महिलाओं से उत्पाद खरीद कर इस ऐप के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही दाल, चावल, तेल, मसाले, खान पान की ये चीजें किसानों से सीधे ली जाएगी। इससे किसानों को भी चीजों के पूरे दाम मिल सकेंगे। इससे उन मेहनत कश लोगों को अच्छी मार्केटिंग भी मिल सकेगी। रुक करते हैं अलीगढ़ की ओर। अकराबाद में देर रात चोरों के उद्देश्य से कस्बा के बाजार में आए चोरों के मंसूबों पर गश्ती पुलिस ने पानी फेर दिया है। पुलिस को देखते ही वो भाग निकले। पुलिस को देखते ही भागते चोर। शुक्रवार की रात कस्बा में पुलिसकर्मी गश्त कर रहे थे।
तभी रात में करीब 1:30 बजे बाजार में 4-5 लोग संदिग्ध हालत में दिखाई दिए। गश्त कर रहे पुलिस कर्मियों ने टॉर्च की रोशनी उन पर डाली तो वह हड़बड़ाहट में मोहल्ला यादव वान की गली की ओर भाग निकले। मामले की सूचना गश्ती पुलिस ने थाना पुलिस को दी। कस्बे में चोरों की मौजूदगी की सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक उमेश चंद शर्मा फोर्स के साथ कुछ समय के बाद वहां पहुंचे और लेपर्ड कर्मियों तथा पुलिस जीप से कस्बे की गलियों को छान मारा। जनपद अलीगढ़ में गांधी पार्क क्षेत्र में शनिवार सुबह 2 सड़क हादसे में एक युवक व युवती समेत 2 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा तड़के करीब 3 बजे गांधी पार्क रोडवेज स्टैंड पर हुआ। दूसरा हादसा सुबह करीब 8 बजे धनीपुर मंडी के पास रेंज हिल्स स्कूल के सामने हुआ। प्रभारी थाना अध्यक्ष गांधी पार्क केशव त्रिपाठी ने बताया कि टैंकर चालक को तलाश किया जा रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मैं विक्रम श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। जाने से पहले एक जरूरी संदेश। प्लास्टिक प्रदूषण विश्व भर के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक से बने अन्य उत्पादों की कटौती करें। प्लास्टिक के अन्य विकल्पों का इस्तेमाल करें। तब तक के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।